नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अगले जो कैबिनेट बैठक है वो कब होगी, उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे, साथ में आपको एक दो हेडलाइंस भी सुनवाऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारे हेडलाइन है वो है शिमला से आई है कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले 6 लोगों से बात करेंगे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में 6 लोग जो है जिन्होंने पहली डोज लगाई है उनसे बात करेंगे हमारे पीएम मोदी। आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इस वीडियो में। तो हिमाचल प्रदेश के कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को 6 लोगों से संवाद करेंगे। सरकार ने सभी उपायुक्तों से 2-2 नाम भेजने के लिए कहा गया है। सचिवालय से अभी किन्नौर, मंडी और कुल्लू के उपायुक्तों को नाम देने के लिए सूचित किया गया है। प्रदेश में अभी तक 32% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। 6 सितंबर तक इसे 36% तक करने का लक्ष्य है। सरकार ने जिला उपायुक्तों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में तेजी लाने के लिए कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वैक्सीनेशन को लेकर वर्चुअल माध्यम से मुख्य सचिव राम सुबक सिंह से बात की है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, जो पहली डोज थी लक्ष्य था वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है बन गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरकार ने 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के 53% लाखों लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को पार करते हुए करीब 55 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, सरकार ने नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। अब तक प्रदेश में 17,49,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, जो 32% है। 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र वालों की जनसंख्या में यह लिखित और लक्षित लोग इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि प्रदेश में 10 साल तक जनसंख्या भी बढ़ गई है। बाहर राज्यों के मजदूर और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रदेश में 7 लाख वैक्सीन की डोज है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली हमारे पास हेडलाइन है वो है कि 4 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक। ठीक है दोस्तों, स्कूल खोलने पर हो सकता है फैसला। जो आगामी कैबिनेट बैठक है वो 4 तारीख की होगी। जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो कैबिनेट बैठक हमारे सचिवालय में होने जा रही है 4 तारीख को। उसमें स्कूल खोलने के लेकर SOP जो तैयार किया गया है, प्रस्ताव रखा जाएगा हमारे कैबिनेट बैठक में। 50% क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा अगर स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, तो अभी 4 तारीख को पता लगेगा कि स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। उस दिन जो कैबिनेट बैठक होगी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पर इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो 4 सितंबर को होगी कैबिनेट बैठक, उसमें पता लगेगा कि स्कूल कब खुलेंगे या आगे भी बंद रहेंगे या खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।